तो अभी हम लोग पढ़ते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, राइट। तो देखो, इसके पहले हम लोगों ने क्या इलेक्ट्रिक डायपोल भी पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है, दोनों। अभी क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। किसका? इलेक्ट्रिक डायपोल का। थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी का रिविजन करें क्या, अगर आपको मान लो दो चार्ज दिए Q1 Q2, तो दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है बच्चों? होता है K Q1 Q2 / R होता है। एंड व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क? तो वर्क होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज यूज्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो ये है रिलेशन वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी का। तो उसी फॉर्मूला का यूज करके अभी हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। तो देखो, आपके पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ऐसे इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इधर जा रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, राइट। 11th में पढ़ा था हम लोगों ने। उसके बाद इसके अंदर हम लोगों ने एक डायपोल रखा, यहाँ पर डायपोल का है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर डायपोल का है माइनस क्यू चार्ज, राइट। बोथ आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2L, एंड ये एंगल कितना है, एंगल मेड बाय इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू E कितना है, थीटा है, राइट। अभी देखो, यहाँ पर डायपोल के रिलेटेड और एक पैरामीटर होता है विच इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। उसका डायरेक्शन क्या होता है, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू पे होता है, राइट। तो ये एरो इंडिकेट कर रहा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। नाउ वी नो दैट व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, इन दैट केस क्या होगा, देखो ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इधर फोर्स लगेगा, नेगेटिव के ऊपर इधर फोर्स लगेगा, उसकी वजह से यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होने वाला है। तो इसके ऊपर जो टॉर्क लगेगा, वो टॉर्क कितना लगता है बच्चों, ये लगता है पीई साइन थीटा। क्या लगता है टॉर्क? पीई साइन थीटा। एलेवंथ में पढ़ा था हम लोगों ने, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी वजह से ये रोटेट होना स्टार्ट होगा। कैसे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे रोटेट होगा? क्लॉकवाइज। मतलब यहां से एक पॉइंट समझ के लेना, जब भी आप लोग एक डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, रिलीज करोगे, तो बाय डिफॉल्ट वो कैसे रोटेट होने वाला है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर टॉर्क लगेगा, उसका वैल्यू कितना है, पी साइन थीटा है, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी सपोज मुझे क्या करना है, ये डायपोल को अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराना है। तो उस केस में ऑटोमेटिकली होगा क्या, जैसे ऑटोमेटिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा था, एंटी क्लॉकवाइज में होने वाला है क्या? नहीं। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ेगा। टॉर्क को कैंसिल करने के लिए कौन आता है, टॉर्क ही आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो ये जो टॉर्क की वजह से वर्क आएगा, चलो लिख देता हूं यहां पर, वर्क डन टू रोटेट अ डायपोल, टू रोटेट अ डायपोल इज वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल टॉर्क। वो कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क इनटू डी थीटा इनटू कॉस ऑफ थीटा आएगा, राइट। हालांकि यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू 1 ही आने वाला है। ओके, उसके बाद देखो, अभी अगर मुझे इसको रोटेट कराना है, क्यों रोटेट कराना है, क्योंकि इसका नेचर क्लॉकवाइज रोटेट करने का है। तो मुझे ये टाउ एक्सटर्नल का वैल्यू मिनिमम कितना चाहिए, मेरे पास टाउ चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ टाउ एक्सटर्नल की जगह पे टाउ पुट करता हूँ, तो देखो डब्ल्यू एक्सटर्नल वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू टाउ एक्सटर्नल कितना है आपके पास, पीई साइन थीटा। तो ये आएगा पीई साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, थीटा है। अभी यहाँ पे चेंज कौन हो रहा है, देखो थीटा चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो मान लो कि पहले ये कुछ तो था 30 डिग्री पे, अभी मैं उसको लेके जा रहा हूँ 45 डिग्री पे। पहले था 0 डिग्री पे, अभी मैं लेके जा रहा हूँ उसको 90 डिग्री पे। तो एक एंगल से दूसरे एंगल पे लेके जा रहा हूँ ना मैं, तो मतलब एंगल का लिमिट है। मान लो पहले था थीटा 1 पे, अभी कहाँ पे लेके चले गए हम लोग, थीटा 2 पे। तो अभी यहाँ पर क्या है, देखो पी ई बाहर आएगा, अंदर कौन बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा। अच्छा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। तो ये माइनस बाहर लेके आओ, तो माइनस पी बाहर है, अंदर क्या बचेगा, पहले अपर लिमिट वो क्या है, कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1।
तो ये आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल टॉर्क कितना है, माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. मतलब डेल्टा यू का वैल्यू कितना आएगा, माइनस पी कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा 1, राइट. अच्छा ये डेल्टा यू मतलब क्या होता है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ना. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल क्या आएगा, देखो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस पी कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ माइनस पी कॉस थीटा 1 लिख सकते हैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसा. मतलब यू टू का वैल्यू ये होगा, यू वन का वैल्यू ये ब्रैकेट होगा. मतलब यू किसी भी एक जनरल थीटा के लिए क्या लिखा जा सकता है, माइनस पी कॉस थीटा लिखा जा सकता है. किसी भी एक जनरल एंगल थीटा पे उस डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, माइनस पी कॉस थीटा. अच्छा ये पी कॉस थीटा मतलब क्या होगा बच्चों, कौन सा प्रोडक्ट है डॉट अक्रॉस, तो ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी एंड ई. क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ पी एंड ई. तो यू इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. कोई डाउट यहां पर, ओके चलो थोड़ा सा भी इसके अलग अलग केसेस देखते हैं हम लोग. स्क्रीनशॉट ले लो इसका तुम लोग. ये तो पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो अभी हमें याद क्या क्या रखना है, देखो न्यूमेरिकल के हिसाब से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से. हाँ याद क्या रखेंगे हम लोग कि टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल का फॉर्मूला क्या है. अगर उसको वेक्टर फॉर्म में देखें तो वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई है, सही है, और उसी को क्या लिखा जा सकता है, पी ई साइन थीटा. ये हम लोगों ने 11th में पढ़ा था. 12th में हम लोगों ने क्या पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला किसी भी जनरल एंगल थीटा के लिए क्या है, माइनस पी ई कॉस थीटा है. उसको ही अगर हम लोग प्रोडक्ट में लिखे तो माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर है, उसी को क्या लिखा जाता है, माइनस पी ई कॉस थीटा लिखा जा सकता है, सही है. अच्छा वर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, तो वर्क इज इक्वल टू होता है डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो डायपोल के रिलेटेड ये सारे पॉइंट अच्छे से याद रखना. इसके ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन है कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर, टॉर्क का फॉर्मूला बोलो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बोलो. जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कहाँ पे साइन लगाए कहाँ पर कॉस लगाए, राइट. ओके चलो ये वाला हो गया फॉर्मूला. उसके बाद है आपका वो रिलेशन कि थीटा का वैल्यू सपोज मैंने चेंज किया तो बोलो कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा, कितना वर्क करना पड़ेगा. तो हमारे पास जो वर्क और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था, क्या था फॉर्मूला, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, सही है. सपोज आपसे बोला गया कि इनिशियली, केस नंबर 1, मान लो इनिशियली आपको बोला गया कि थीटा 1 मतलब क्या है, इनिशियल एंगल है. आपको बोला गया कि इनिशियली डायपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. डायपोल क्या है, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज इसका मीनिंग है थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री. डायग्राम कैसे आएगा, देखो ये आपका डायग्राम होगा, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, लाइंस है, और यहाँ पर डायपोल है ये वाला, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. अभी इसको अगर मुझे थीटा एंगल से रोटेट करना है तो देखो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर माइनस पी ई कॉस ऑफ थीटा 2, अब ये थीटा 2 को थीटा मान लो एंड कॉस 0 कितना 1, तो ये आ जाएगा ऐसे. एंड सपोज आपको बोला गया सेकंड केस में, मान लो बोला गया कि इनिशियली डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, राइट. मतलब थीटा का वैल्यू इनिशियल एंगल कितना आएगा बच्चों, 90 डिग्री. कैसे, देखो ये है आपका इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, राइट, वो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो डेल्टा यू का वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा माइनस पी ई. अभी फाइनल एंगल तो पता नहीं है, थीटा मान लो, बट इनिशियल एंगल पता है ना, कॉस 90 कितना होता है,
जीरो, तो डेल्टा यू का वैल्यू क्या आएगा, माइनस पी कॉस थीटा, राइट। सिंपली तुम लोग क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखो, किसी भी केस के लिए तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। थीटा वन क्या इंडिकेट कर रहा है, इनिशियल एंगल। थीटा टू क्या इंडिकेट कर रहा है, फाइनल एंगल, राइट। तो ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल।